अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त गोलू और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल अमेजिंग पिजन टिप्स। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह का टाइम है और दोस्तों मैं छत पे आया हूँ कबूतर खोलने के लिए। और दोस्तों देख सकते हैं आप मुखी कबूतर कहाँ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आके ईटा का चूरा खा रहे हैं इन लोग। और दोस्तों बाकी कबूतर को नहलाया भी मैंने, देखिए पानी रखा था, कबूतर नहा रहे थे और कुछ कबूतर ऊपर बैठे नहा के पंख सुखा रहे जो अपने, और कुछ कबूतर नीचे है। कबूतर देखिए किस तरीके से कबूतर बैठे सारे नहा धो के अभी। और मौसम देखिए आप, आ गया आ गया आ गया इस कबूतर को। दोस्तों बन रहा था मैंने, क्योंकि दोस्तों ये मांदी को कुछ परेशान कर रहा था और मांदी को दाना पानी नहीं खाने दे रहा था, इसलिए दोस्तों इसको बन रहा था मैंने। एक पट्टा गया अभी वो जगह पे। ये और कबूतर गए। दोस्तों यहाँ पे ईटा का जो चूरा है था ना वो खाए तो कबूतर बहुत अच्छे तरीके से खाते यहाँ पे जाके, एकदम कैल्शियम मिलता है खाने में। उसी नर की मादी है दोस्तों जो अंदर बंद है, अब ये अंदर बनने करने जा रही है अंदर। और दोस्तों कोई कबूतर भी दिख नहीं रहा है, अच्छा मौसम है दोस्तों, मगर कबूतर नहीं आया कोई भी अभी तक। दोस्तों इंतजार करते कोई कबूतर आएगा तो। और ये पट्टा है कल सिरा। बाकी दोस्तों अभी कबूतर में बीमारी बहुत आ रही ठंडी की वजह से, कबूतर बहुत खास रहे, खास करके दोस्तों खुरकुट कर रहे बहुत कबूतर। तो कबूतर को ध्यान रखिए आप बहुत ज़्यादा, कबूतर को सरसों खिलाओ, कबूतर को बाजरा खिलाओ इन दिनों में, जिससे आपके कबूतर बड़े अच्छे रहेंगे, गर्म रहेंगे कबूतर आपके। वैसे दोस्तों अभी ठंडी स्टार्ट होने की है, मगर दोस्तों फिर भी ठंडी हवा चलती शाम रात के वक्त, तो उसके लिए दोस्तों कबूतर बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। अभी दोस्तों मेरे यहाँ भी कुछ कबूतर ऐसे हैं जिनको दोस्तों खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो दोस्तों उनका इलाज तो मैंने YouTube चैनल पे डाला है। तो आपकी भी अगर कबूतर को वो प्रॉब्लम है तो आप करके देखिए, वो उससे आपको बहुत अच्छा कामयाबी मिलेंगे। अभी देखिए एक ऊपर एक कबूतर बैठा है सफ़ेद वाला, दोस्तों सफ़ेद वाला ये दोस्तों मुँह खोल के सांस ले रहा है कबूतर। पहले दोस्तों तीन चार कबूतर थे ऐसे जो मुँह खोल के सांस ले रहे थे, मगर दोस्तों उनको जो मैंने ट्रीटमेंट करा उनके ऊपर तो कबूतर अभी ठीक है। तो दोस्तों आप भी करके देखना, अगर आपके कबूतर में ऐसी प्रॉब्लम होगी सांस लेके, सांस ले रहे मुँह खोल के और खांस रहे बहुत सर्दी आ रही है उनको, तो दोस्तों उनके मुँह में आप बाम लगाना और नाक पे बाम लगाना। जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो में बताया वो आपको, ये शहराजी बैठा है अभी, दोस्तों डरता नहीं मेरे से आला शहराजी, ये वो है दोस्तों जो हमने बाजार से लेके आए थे खरीद के। वो भी तो लगता है उधर जाएगा, देखते अब क्या होता है। दोस्तों इसका साइज दिन पे दिन बड़ा होता जा रहा है, और ये एक शहराजी है जो हमको गिफ्ट मिला था। दोस्तों अभी आपको ऐसे ही दिख रहा हूँ भाई जब दोस्तों ये आया दोस्तों पूरा कर रहा। दोस्तों जब इस पंख आएंगे नए पंख झड़के आएंगे इसको, तो जब देखना कितना खूबसूरत दिखना है। और ये मुखी का जोड़ा दोस्तों अभी अंडे पे आएगा बहुत जल्दी, इसलिए ना इसको मादी को बहुत दौड़ा रहा ये मुखी का जोड़ा हमारा। पहले इनमें भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम थी, कबूतर मुंह खोल के सांस ले रहे थे, मगर अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक कलसीरा कबूतर दोस्तों अंडे के इसके अंदर अंडे हैं पेटी में, देखिए आप दो अंडे, तो इसको हम अंदर बंद करते। दोस्तों इसको बंद कर दिए, दोस्तों ये माजी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था इसलिए भी इसको भी अंदर बंद रखा मैंने। और दोस्तों देखिए एक कबूतर का ये जो है ये रोटी का बारीक चूरा है, जो दोस्तों हम कबूतर को रोटी डालते हैं उसमें का जो आखिरी का नीचे चूरा रहता है वो कबूतर देखिए कितने मजे से खाते हैं।
दोस्त इसकी गुटरानी अलग है, शेराजी की ये वाली, और इसकी एकदम अलग है। दोस्तों मज़ा तो आ रहा है पे अभी, मगर देखते हैं कबूतर आते हैं कि नहीं आते हैं। मौसम बड़ा सही है अभी, ये पट्टा फिर गया उधर, ईंट के ऊपर जाके बैठा। दोस्तों इनको ईटा खाने में बड़ा मज़ा आता, वैसे दोस्तों इनको मैंने भरपेट दाना दिया नहीं अभी, दाना दिया क्योंकि दोस्तों कबूतर को निजार था। ये देखिए मुखी आती है कि देखती है, अब ये फड़फड़ फड़फड़ करे दोस्तों दोनों कबूतर पड़ता रहे, मेरा शेराजी भी पड़ता रहे, पेंटिल भी पड़ता रहे हमारे यहाँ, बहुत सारे दोस्तों नए नए कबूतर पड़ता रहोगे अभी। चलिए दोस्तों इसको बाहर निकालते हैं थोड़ा, ये पट्टा आ गया। दोस्तों ऐसे दिनों में ऐसे पट्टों पुट्टों को जमा के रखना बहुत अच्छा रहता, बहुत जल्दी घर के पक्के हो जाते हैं पट्टे, ऐसे इधर उधर जा दू के। इधर उधर जाके दोस्तों पट्टे बहुत जल्दी रम जाते और घर याद कर लेते अपना, जिसके कारण दोस्तों फिर आपको सीजन में कबूतर उड़ाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता है दोस्तों शिकार, वैसे बहुत दिन हो रहे कबूतर आया नहीं कोई। एक पकड़े थे दोस्तों हमने अभी कुछ दिन पहले, ये चीनी मादी, दोस्तों सेम चीना नर हमारा ये घर का है। फिर दोस्तों बारिश में घुसते आगे बैठी थी मादी, जब बारिश आ रही थी तो। बाकी दोस्तों इसके भी अंडे आ गए, जैसे कि दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे मेरे, इसकी मादी भी अंदर अंडे पर बैठी है। बाकी देखते हैं दोस्तों अभी क्या होता है, आता है कि नहीं आता है कबूतर। बाकी दोस्तों कोई नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसी बात कबूतर की, क्योंकि अभी लॉफ्ट के अंदर बहुत सारे कबूतर हैं हमारे। ये उतरा मुखी का नर, दोस्तों बांस को भी नेट करने हैं, बाद में कुछ ज़्यादा लपक गए उधर में हमारा अड्डा। ये देखिए सिकरा का देखो चिड़िया को मार रहा, चली गई चिड़िया। ये मुखी का नर फिर से ऊपर जाके बैठे, माशाल्लाह दोस्तों देखिए इसकी घुटाना, आप बहुत बेहतरीन क्वालिटी का नर है ये। तो चलिए फ्रेंड अभी कबूतर को दाना डालते हैं। एक और पे दोस्तों सारे कबूतर आ जाते, अंदर का कबूतर दोस्तों बाहर निकाल लेते। चलिए दोस्तों बाकी कबूतर बाहर निकाल लेते, ऊपर के भी सारे कबूतर उतर गए, उतर रहे दोस्तों, और इधर भी कोई भी कबूतर नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों कबूतर दाना उठा रहे। तो चलिए बाकी कबूतर को बाहर निकाल लेते। इसको बंद करो, इसको बाहर निकाल लेते, ये लास्ट टाइम है दोस्तों दाना डालने का, और इसके बाद दाना नहीं दोस्तों सीधा बंद होंगे कबूतर। चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर।
इधर नहीं है कोई, इधर एक है बस। हिसाब से निकालना पड़ता, अंडे फूटने को नहीं होना। चल बाहर चल बाहर चल बाहर चल बाहर चल बाहर। दोस्तों एक आवाज़ पे सारे कबूतर आते इधर। अब बचा एक डब्बा दाना बस, ले। देखिए दोस्तों किस तरीके दस कबूतर दाना उठा रहे। बीमारी का दोस्तों कोई चांस ही है इसमें ज़्यादा। इसके बोले दोस्तों दो डब्बे लगे थे ऐसे। सुल्तान का होके लगता है ना, होके पानी का कटोरा उठा देते आप। कोई कबूतर तो आए नहीं दोस्तों, तो चलिए बारी बारी से कबूतर दाना खाएंगे, बारी बारी से कबूतर पानी पी लेंगे। एक जोड़ा ये ऊपर बैठे, इनका भी हो गया। बाकी सबसे ज़्यादा फीट बच्चे वाले कबूतर को दाना लगता है, बाकी किसी को नहीं लगता इतना। और कुछ देर के बाद इसके अंदर दाना पड़ा रहेगा, मगर कबूतर दाना नहीं खाएंगे। और मैं एक ट्रे दाने का उठा लूँगा, क्योंकि अड़चन हो जाती है दोस्तों यहाँ पे, वो ज़्यादा सकते। अब ये कबूतर बंद होने के लिए बहुत अंदर घाई जल्दी करेंगे, देखना। और दोस्तों ये वो कबूतर जिसको हल्की सी प्रॉब्लम है अभी गले में, बाकी दाना पानी उठा रहा है ये। बड़े मज़ेदार। तो दोस्तों देखिए फेंटिल का भी दाना खाना हो गया है अभी, और एक ट्रे का दाना हो गया पूरा खा के अभी। इसको रख दिए अंदर, अब इसमें जो पड़ा है वो खा लेंगे। दोस्तों वो ट्रे का भी दाना खत्म हो गया, और एक डब्बा दाना लग रहा है, तो ये भी डाल देते हैं अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अभी सारे कबूतर बंद है, सारे कबूतर बंद कर दिया दोस्तों मैंने अभी। और दोस्तों अभी दोपहर का टाइम है, और लॉफ्ट के कबूतर ही बंद हो गए। सारे कबूतर ने अपनी जगह ही पकड़ लिया, सारे कबूतर सेट हो गए अपनी जगह पकड़ के अभी। आप दोस्तों ये आले कबूतर खुलेंगे सीधा शाम में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कबूतर से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हुई तो मुझे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।